नमस्कार, सत श्रीकाल। दिस साइड तरुण राजपूत फ्रॉम एनसीपी होम्स बिल्डर्स। आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाने जा रहा हूँ जो कि एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट रहेगा और बिल्कुल नेशनल हाईवे पे रहेगा। हाईवे जो है वो है चंडीगढ़ स्टेट लुधियाना नेशनल हाईवे। यहाँ से चंडीगढ़ का डिस्टेंस है 14 किलोमीटर। नियर बाई यहाँ से बस स्टैंड पड़ता है खरड़ का। मोहाली का डिस्टेंस है यहाँ से 4 किलोमीटर पे और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है यहाँ से 3 किलोमीटर पे। सोसाइटी जो रहेगी वो सारी गेटेड सोसाइटी रहेगी। रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। प्रॉपर आपको 40 फुट रोड मिलेगी और पार्क मिलेगा। फ्रंट में जो रहेगा शोरूम्स रहेंगे, तो ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल नेशनल हाईवे पे प्रोजेक्ट है। लोन मिलेगा किसी भी बैंक से आपको। ये हमने कॉर्नर हाउस बनाया हुआ है 125 गज में। ये 125 गज में डबल स्टोरी हाउस बना हुआ है। इसका जो फ्रंट है वो है 25 फुट फ्रंट रहेगा और 45 फुट लंबा रहेगा। कॉर्नर हाउस है ये, आप देख सकते हैं। इसके साथ में ये 2 BHK सिंगल स्टोरी हाउस बनाया हुआ है हमने ऑन डिमांड। ये कस्टमर की चॉइस के हिसाब से सारा बना हुआ है, जिसमें कस्टमर ने टाइल चूज़ किया है, कब्बर्स वर्क अंदर टाइल वर्क। तो ऑन डिमांड भी आप घर ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि प्लॉट पर हमें घर मिल जाए हमारे हिसाब से, तो वैसा भी होता है। यहाँ पे हमारे पास 3 बेडरूम सेट बना हुआ है। डबल स्टोरी 3 BHK हाउस है। इसका जो फ्रंट है वो है 20 फुट और जो इसका लंबाई है वो है 45 फुट। तो 3 BHK घर बना हुआ है। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 बेडरूम सेट नीचे रह सकते हैं आप, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर जो रहेगा वो रेंटल पर्पज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रंट में हमारी पार्किंग आ जाती है। इसके साथ में यहाँ पे मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ। 2 मंथ के अंदर आपको ये घर रेडी मिल जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर गेट लगेगा और मार्बल फ्लोरिंग हो रही है। साथ में यहाँ पे भी एरिया दिया हुआ है। कॉर्नर विंडो रहेगी। तो यहाँ से स्टेयर्स हमारी फर्स्ट फ्लोर के लिए चली जाती हैं। तो डबल स्टोरी कोठी है एंड एंट्री पे हमारा ये लिविंग एरिया आ जाता है। फिर यहाँ पे डाउन सीलिंग रहेगी। तो एंट्री करते ही हमारा ये ड्राइंग एरिया आ जाता है। यहाँ पे डाउन सीलिंग दे रहे हैं हम, और इसके साथ में यहाँ पे किचन रहेगा जो कि मॉड्यूलर किचन रहेगा। मार्बल फ्लोरिंग रहेगी, स्पेंजा का टाइल वर्क है। तो यहाँ पे हमारा किचन एरिया आ जाता है। वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है। डाउन सीलिंग रहेगी एंड ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। बेडरूम जो रहेगा वो है 10x12 का। इसके अटैच विद वॉशरूम रहेगा और वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है। कब्बर्ड जो रहेंगे वो हमारे इस वॉल पे कब्बर्ड्स आएंगे, फुल हाइट तक कब्बर्ड्स रहेंगे, वुडन कब्बर्ड्स। अगर आप मेरे रेडी घर के हाउस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पर जाएँ, मेरी सारी वीडियोज़ वहाँ पर डली हुई हैं। तो ये सेकंड बेडरूम आ जाता है। सेम साइज़ का सेकंड बेडरूम रहेगा जिसमें डाउन सीलिंग रहेगी, कबर्ड्स वर्क कंप्लीट रहेगा, ड्रेसिंग एरिया रहेगा एंड वेंटिलेशन ये हमारा आ जाता है वॉशिंग एरिया। तो यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन वगैरह लगा सकते हैं और यहाँ पे ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे जाली लगेगी एंड इसका भी अटैच विद वॉशरूम रहेगा। इसके लिए जो फिटिंग जो रहेगी वो है सेरा ब्रांड की सारी फिटिंग रहेगी। एंड वॉशरूम में भी आप देख सकते हैं डाउन सीलिंग की हुई है। तो विंडो आ जाती है वेंटिलेशन के लिए। तो ये हमारा 2 बेडरूम सेट था नीचे का। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले चलता हूँ। तो एंट्री करते ही हमारी ये मार्बल की स्टेयर्स आ जाती हैं। साथ में यहाँ पे ये हमारा बालकनी एरिया आ जाता है और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर के लिए एंट्री आ जाती है। तो ये हमारा किचन एरिया जाता है। यहाँ पे किचन रहेगा, वेंटिलेशन के लिए विंडो आ जाती है, डाउन सीलिंग रहेगी एंड इस साइड को हमारा जो रहेगा वो बेडरूम रहेगा। ये 10x14 का बेडरूम बना हुआ है जिसमें ऊपर डाउन सीलिंग रहेगी, कबर्ड्स वर्क कंप्लीट रहेगा, स्प्लिट एसी की फिटिंग की हुई है सारे में एंड इसके अटैच विद वॉशरूम रहेगा। वॉशरूम में सारे में
फिटिंग कंप्लीट रहेगी। टाइल वर्क जो रहेगा वो फर्स्ट फ्लोर का 8 फीट तक टाइल वर्क किया हुआ है, नीचे जो रहेगा 10 फीट तक रहेगा, इसमें भी डाउन सीलिंग रहेगी। और ये हमारा ऊपर प्रॉपर 1 BHK बना हुआ है, इसको आप एज ए रेंटल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये हमारा पीछे का एरिया जो रहेगा वो ओपन रहेगा, ये आप देख सकते हैं। इसको आप कल को कवर भी करवा सकते हैं, 2.5 स्टोरी तक नक्शा पास रहेगा। तो आप इसके ऊपर भी अगर फ्लोर उठाना चाहते हैं एक, तो ऊपर भी आपको फ्लोर बना सकते हैं। तो ये आसपास का आप नज़ारा देख सकते हैं, प्रॉपर गेटेड सोसाइटी रहेगी, पार्क फैसिलिटी मिलेगी, शोरूम्स मिलेंगे, एंड प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लॉट्स मिलेंगे, हाउस की रिक्वायरमेंट है तो हाउस मिलेंगे। 3 बेडरूम 4 बेडरूम 5 बेडरूम, इनका जो प्राइस लिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। स्टार्टिंग जो प्राइस है 3 BHK का वो है 52 लाख 100 गज में। अगर आप हाईवे से अंदर लेते हैं तो 48 लाख में हमारे पास 3 BHK हाउसेज हैं जो कि हाईवे से अंदर रहेंगे 1 किलोमीटर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आप हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें एंड हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी डेली की वीडियो की डिटेल्स मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।